स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल रिपेयरिंग में। फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर करने वाले हैं एक, ये जो आप टीवी देख रहे हैं सामने, ये किस कंपनी की है इसका नाम तो निकल गया है फिलहाल। आज हम इसको रिपेयर करेंगे सिर्फ 2 रुपए में। कैसे रिपेयर करेंगे ये हम दिखाएंगे और इसमें क्या फॉल्ट है जिसको हम सिर्फ 2 रुपए में रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए, हम लगाते हैं इसमें पावर। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम इसमें पावर देते हैं। ये पावर की सप्लाई हमने दिया। अब हम, ये रहा हमारा रिमोट, इसे हम ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन नहीं होता है। तो आप में कुछ लोग भी कहेंगे कि ये रिमोट नहीं काम कर रहा होगा, इसलिए हम, ये देखिए हमारा ये टेस्टर, ये रिमोट टेस्टर, इसको हम लगाते हैं। अब हम अपने रिमोट पे चेक कर लेते हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। ये कहेंगे पावर बटन नहीं काम कर, देखिए पावर बटन दबा देते हैं। देखिए ये हो गया, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसकी टीवी बटन से भी। देखिए कोई रिस्पांस नहीं है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं मात्र 2 रुपए में। वीडियो देखते रहिए अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कैसे हमने रिपेयर किया। तो चलिए चलते हैं इसको ओपन करने। तो ओपन कर लेते हैं हम इसको। तो फिर इसको ओपन करने के लिए हम इसके स्क्रू को खोल लेंगे। इसमें 4 स्क्रू हैं जिसको हम खोलेंगे। ये हम खोल लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद आप इसको गाड़ी को निकाल लीजिए आसानी से। ये निकाल लीजिए हमने। फिर आप इसके जो जैक्स हैं वो निकाल लीजिए, ताकि आप प्लेट को या इसकी सर्किट को कर सकते हैं। पीछे की तरफ पलट लीजिए जिससे हम देखिए सप्लाई को चेक करेंगे। तो ये हो गया। अब इसकी सर्किट को हम पीछे एक साइड पलट लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसको हम सिर्फ मात्र 2 रुपये में रिपेयर करेंगे। तो हम लगाएंगे इसमें पावर। चलिए हम लगा लेते हैं पावर इसमें। पावर लगाने के बाद आप लीजिए अपना मल्टीमीटर। अगर मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो भी मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ उसके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तरीका जिससे आप बिना मल्टीमीटर भी चेक कर सकते हैं इसको। आपको चाहिए एक बल्ब और एक होल्डर। तो ये हमने ले लिया है। तो ये देखिए, ये ओके है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपके सर्किट में लिखा है 116 वोल्ट, तो यहीं पे हम ग्राउंड से और इसके डायोड के जिस तरफ सिल्वर कलर होता है, डायोड के सिल्वर कलर की तरफ, उस तरफ आपको इसको लगाना है। तो चलिए हम लगा के देखते हैं क्या हमारा बल्ब जलता है। तो ये देखिए हमारा बल्ब, आप देख सकते हैं ये बल्ब हमारा इतना जल रहा है, इतना जल रहा है, तब कि हमारी 110 वोल्ट की सप्लाई सही है। अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर लेंगे। जैसे ये रहा, ये देखिए मल्टीमीटर पे आप देखिए 110 वोल्ट सप्लाई ओके है। उसके बाद आपको यही सप्लाई नापते हुए आगे तक जाना है। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपके किसी भी सर्किट हो आप में ये लगा रहता है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है। तो इस पर हम सप्लाई चेक करेंगे। इसके बीच वाले पॉइंट पे आपको 110 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सप्लाई जाने से पहले ये आपको एक रेजिस्टेंस जिसका काम है फ्यूज का, जो फ्यूज की तरह काम करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक गोले में रिंग कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रहा, यही रेजिस्टेंस है ये। थोड़ा आपको मैं करीब से दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस जिस पे हमको 110 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और इसके अपोजिट साइड में दूसरे तरफ हमको ये सप्लाई नहीं मिल रही है। देख सकते हैं यही रेजिस्टेंस जो फ्यूज का काम कर रहा है, इसी से होते हुए हमारा ये सप्लाई इस ST से, और इस ST से होते हुए ये सप्लाई हमको यहाँ आउटपुट ट्रांजिस्टर पे दी जाती है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, पावर को निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम रिमूव कर लेंगे। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं पहले।
ये रहा रेजिस्टेंस, ये लाल लाल गोल्डन 2.2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसकी जगह आप 3.3 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 1 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या काम करिए कि एक पतला सा जम्पर वायर यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस रेजिस्टेंस को चेक करके भी दिखा देता हूँ अपने मल्टीमीटर की सहायता से। देखिए ये हमने कॉन्टिन्यूटी पर रखा अपने मीटर को, इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए कोई रिस्पांस नहीं है। ये 1 वाट का है, इसमें हम 2 वाट का भी लगा सकते हैं जो आपको सिर्फ 2 रुपये मिलेगा, तो हम लगा लेते हैं। तो फिर ये रहा हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, चलिए इसमें से हम 2.2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये रहा, तो हमने निकाल लिया। अब इसको हम लगा लेते हैं इसमें, तो फिर इसके इस साइड से इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद सोल्डिंग कर लेंगे आप। ये हो गया, अब इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे और जो बड़ा सा जो पिन सब निकल गया है इसको आप कटर की सहायता से काट लीजिए। ये हम काट लेते हैं। तो फिर अब हम इसमें लगा के देखते हैं सप्लाई को। सीरीज का इस्तेमाल करिए आप। हमारी टीवी तो ऑन हो गई है, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार फिर सप्लाई नाप के। देखिए इस तरफ सप्लाई आ रही थी, देखिए अब ये इस तरफ भी सप्लाई आने लगी और ये सप्लाई यहाँ पर पहुँच गई है। तो टीवी हमारी ऑन हो गई है। अगर आपकी टीवी ये लगाने के बाद भी ऑन ना हो तो आपको यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर 28.03 मिलेगा आप इसको चेंज कर दीजिएगा, आपकी टीवी चालू हो जाएगी। फिर चलिए हम लोग चलते हैं आपको टीवी की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आपने देखा यह टीवी हमने कितनी आसानी से रिपेयर की सिर्फ 2 रुपये में। अगर आप भी रिपेयरिंग करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको रिपेयरिंग करने के नए नए तरीके और आसान से आसान तरीके आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, क्योंकि आपने देखा सिर्फ 2 रुपये में हमने टीवी रिपेयर की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए अलविदा।